तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है बेटा, काश वो जिंदा होती तो तुम्हें दूल्हा बने देख के कितना खुश होती। इन पिक्चर्स को ऐसे जोड़ दो कि पता ना चले कि ये अलग अलग है। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? तुम्हारी अपनी माँ से। मैं अपनी कजन की शादी में लाहौर गई हुई थी, मैंने वहाँ आयशा को देखा था। डैड, इतना बड़ा सच छुपाया आपने मुझसे। शायद जिंदगी भर आपको इस बात के लिए कभी माफ ना कर सकूं। सुहेल? हाँ भाई सुहेल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। कहाँ गायब है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बस यार कुछ बिजी हो गया था। अच्छा बताओ कैसे याद किया? याद तो वाकई काम के हवाले से किया, मगर खुशी की बात यह है कि मैं कल लाहौर आ रहा हूँ। क्या? अरे वाह यार, ये तो बड़ी गुड न्यूज हुई। फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ मजा तो आएगा, मगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? लाहौर एक्चुअली मैं एक लड़की की तलाश में आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। अरे मैं हाजिर हूँ जनाब, तुम लाहौर तो पहुंचो, एक क्या 10 लड़कियां ढूंढ देंगे। नहीं, बस एक वही लड़की ढूंढनी है। इसका मतलब है कि दिल का मामला है। सही कह रहे हो। तो दिल लगी जनाब को कराची से लाहौर लेकर आ रही है। चलो ठीक है समीर, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। ओके। क्या कमाल की एडिटिंग हुई है, मजा आ गया, एकदम रियल। शायद मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए। डैड मैं चाह रहा हूं। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें मेरी वजह से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। बेटा मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, तुम मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे अफसोस है, खिदमत मुझे अपनी माँ की करनी चाहिए थी, उस कीमती वक्त का इतना बड़ा हिस्सा साया हो गया आपकी वजह से। मजीद इस घर में रुकना गुनाह है मेरे लिए। आपने उन्हें छोड़ा क्यों? बेटा इस चीज से डर गया था कि कोई तुम्हें तो ज्यादा ना कहे। क्या दादी, लड़की और लड़की नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस खानदान से रिश्तेदारी करने से बचा लिया। ये तब की तस्वीरें जब तुम एक साल के थे, इन तस्वीरों के सहारे सारी जिंदगी गुजारती है। क्यों मिली ये सजा? बचा रहा अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ जिंदा है, मुझे उसके पास ले चलो बेटा, मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। मुझे उसके पास ले चलो, मुझसे बड़ा गुनाह सरसत हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दूं डैड? मेरी माँ से माफी मांगे, इतना अरसा बेयार और मददगार नहीं वो, तो आप अपनी जिंदगी में मगन, सभी ख्याल नहीं आया ना मेरी माँ का आपको। मैं और मेरी माँ अब एक साथ रहेंगे, अब आप रहे इस घर में तन्हा, और उस तन्हाई को महसूस करें जो मेरी माँ ने इतने अरसे की। आपको जरा सभी एहसास नहीं हुआ
जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आपकी बीवी पर क्या बीत रही होगी। किस हाल में होगी वो? मैं अपनी मां के लिए रोता था, याद करता था ना। मानता हूं कि मैंने सब कुछ किया बेटा, लेकिन उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गया था बेटा, मैं डर गया था। डर गए थे आप? किस बात से डैड? ये जानते हुए भी कि मेरी मां जिंदा है, आपने उन्हें छोड़ा क्यों? बेटा इस चीज से डर गया था कि कोई तुम्हें तो आया ज्यादा ना कहे। क्या? मेरी मत तबाही है। हाँ मैं उससे प्यार तो कर बैठा बेटा, लेकिन माशरे की हकीकत को समझ नहीं। जब मैंने माशरे की मुनाफ़त और मुनाफ़त देखी तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा बेटा कि तुम्हारी परवरिश मैं खुद अपने हाथ से करूं। ये कैसी मोहब्बत थी डैड? ये कैसी मोहब्बत थी जो दुनिया की वजह से आप बेबस हो गए? मोहब्बत में तो हर मुश्किल हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। आपने क्या किया? आपने मेरी अम्मी को अलहदा कर दिया खुद से, उन्हें वापस उस गलाजत में धकेल दिया जहां से उन्हें उठाकर लेकर आए थे आप। मैं उस वक्त मजबूर था बेटा, मैं उस वक्त मजबूर था। ये कैसी मजबूरी थी डैड? ये कैसी मजबूरी थी? एक बेटे को अपनी मां से तो अलग कर दिया था, अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेते आप? ऐसी मजबूरी जिस इंसानियत दिखला गया दोनों खत्म कर दिया आपने। खानदान का दबाव, तुम्हारे दादा का हार्ट अटैक, तुम्हारी दादी का मुझे मां माफ करने का अज्म, इन चीजों से मैं डर गया बेटा। मुझे अब आप मेरी अम्मी को इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आएंगे। मैं लेके आऊंगा। सानिया, तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बच्ची शाइना ने शादी की सारी शॉपिंग ऐसे फटाफट करवाई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो सोचती हूँ अगर ये बच्ची ना होती तो हमें कौन इस तरह से बाजारों में लिए लिए घूमता। जीते रहो। वैसे तो तुम लोगों को दानियाल भी ले जाता। अरे नहीं मियां, होने वाले दामाद के साथ इस तरह से बाजारों में घूमना फिरना अच्छा थोड़ी लगता है। और फिर वो मैं कहाँ कहाँ लेके जाता? दफ्तर से छुट्टी कहाँ मिलती उसको? चलिए, शाइना की वजह से सारा काम तो हो गया ना। हाँ भाई, बहुत ही नेक और ख्याल करने वाली बच्ची है। मैं सोच रही हूँ कि शादी पर उसको सोने का एक जेवर तोहफे में दे दूँ। हम लोग उसे गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा ख्याल है। आपको याद है उस दिन ज्वेलर की शॉप पे गए थे तब उसे एक टॉप्स पसंद आए थे, हम वही खरीदेंगे उसके। बिल्कुल ठीक करिए आशा, शाइना बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अल्लाह उस बच्ची का नसीब अच्छा करे। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती हैं। उसकी वालदा से मिलना चाह रही थी मैं, लेकिन वो कहती है कि वो कहीं आती जाती ही नहीं है। अरे शादी में आएंगी ना, तब मिल लीजिएगा। वैसे अगर आपको दिल चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, वो दानियाल की गली में तो रहती है वो। नहीं मियां, अब ये मिलना जुलना मैं शादी के बाद ही करूँ। अरे आप टेंशन लेना छोड़ दें, सारे काम हो गए हैं, आप आराम करें वरना बीपी हाई हो जाएगा इनका।
इनकी टेंशन तो मेरी शादी के बाद ही खत्म होगी। हाँ तो और क्या, तुम्हारे फर्ज से सबूत दोष हो जाऊं तो इंशाल्लाह अपने भाई के साथ हज पे जाऊंगी। क्यों ऐसा? आमीन आपा, वैसे मेरी भी बड़ी ख्वाहिश, लेकिन एक बात है आपा, आयशा चली जाएगी तो उसके हाथ की चाय हमें कौन पिलाएगा? सीधा सीधा बोले ना, आपको एक कप चाय और पी ली। दानियाल की माँ एक तवाइफ थी? तौबा तौबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफ ज़ादे से नहीं कर दी, वरना मुआशरे में हमारी क्या इज्जत रह जाती। अम्मी इसमें दानियाल का क्या कसूर, वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी माँ जिंदा है। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ऐसी औरतों का हमारे मुआशरे में क्या मकाम है? प्लीज आप तो हर बात का इशू बना लेती हैं। इशू नहीं, ये गाली है। अरे कौन अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफ के बेटे से करेगा? अरे कपड़े बदलने से हस्ब व नस्ब नहीं बदल जाता, शादी लड़के और लड़की नहीं दो खानदानों के दरमियान होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस खानदान से रिश्तेदारी करने से बचा लिया। तुम कहां खो गई? जाओ बेटा जाके सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मुझे कौन सा सुबह ऑफिस जाना है। लेकिन मुझे तो सुबह उठना है ना, तुम्हारे अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करना है। तो आप जाएं, आपको किसने रोका है? शाइना कान खोल कर सुन लो, तुम दानियाल और उसके घर वालों से दूर रहो, लोगों को पता चलेगा तो बेटा वो क्या सोचेंगे। अम्मी लोग तो किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी कहते हैं। शाइना शाइना तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो, तुम लड़की जात हो, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठाए। जितना बच के रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा बच्चा, मेरी जान, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, याद कर रही थी तुम्हें। बैठ जाओ। अम्मी ये सब आपके लिए। ये सब क्या है बेटा, क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी चाबी लेकर आया। ये ड्रेस मैं आपके लिए लेकर आया, अपनी पसंद से लाया, बताएं कैसा लगा? तुम लाए हो बहुत प्यारा है। और अम्मी मैं आज आपके साथ केक काटना चाहता हूं। केक काटेंगे? क्यों? मेरी किसी भी बर्थडे पर आप नहीं थे। तो आज मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी की सारी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे आप। हाँ बेटा जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर केक काटेंगे। अम्मी आप मेरे साथ चले। नहीं बेटा, उस घर के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए। नहीं, एक दरवाजा खुला है आपके अपने बेटे का। मैं यही ठीक हूं ना बेटा, तुम रोज मुझसे मिलने आ जाया करो, हम साथ में खाना खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बस मेरे लिए यही काफी है। नहीं, मैं चाहता हूँ ना आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें, आपका भी तो घर है बेटा। समझने की कोशिश करो, अहमद मुझे छोड़ चुके हैं, मेरा अब उस घर में जाना मुनासिब नहीं है बेटा, अब मैं यही ठीक हूँ। नहीं,
फुकर आपके बेटे का भी तो है ना, अपने अपने बेटे की वजह से आ जाए प्लीज। नहीं बेटा, यही ठीक हूँ मैं बस। मैं अब आपसे कर रही हूँ। अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो ना, इधर आओ तुम मेरे साथ, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। आओ ना, चलो तो आओ ना, आओ मेरे पास आओ। ये देखो अम्मी, ये मैं हूं ना आपकी गोद में। हाँ, और ये तब की तस्वीरें जब तुम एक साल के थे। नया नया चलना शुरू किया था तुमने, तस्वीरों के सहारे सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने। बस अब मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा, कल मैं आपको यहां से लेने आ रहा हूं। अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे अम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे। अम्मी बस प्लीज कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। ये लीजिए जनाब। वाह समीर, क्या एडिट की है पिक्चर्स, लग नहीं रहा ये दो अलग अलग पिक्चर्स थी। वही, हम तो इस काम के चैंपियन ठहरे। ये देखो। अरे ये तो फूल दे रहे ना उसे। हाँ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। शाइना, मुझे एक बात की समझ नहीं आई है, तुमने इन दोनों की तस्वीरें एडिट क्यों करवाई, जबकि आजकल तो सेल्फीज का जमाना है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, लड़की की फैमिली थोड़ी सी खड़ूस है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें सरप्राइज दूँ। जब ये एडिट की हुई पिक्चर से देखेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। तानियाल से मुलाकात हुई? नहीं, आजकल बहुत बिजी है इसलिए। हाँ जी, बिजी क्यों ना हो, शादी है ना जनाब की, होंगे मसरूफ शादी के कामों में। तुम्हें पता है, भाई ना तो उसने अभी तक अपनी होने वाली बीवी से मिलवाया और ना ही अपने ससुराल वालों से। थोड़ा सा इंतजार कर लो, सबसे मिल लोगे। तुम हंस क्यों रही हो? क्यों, हंसना मना है? हाँ सुहेल, अरे पहुंच गया तू? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ना, सब्र कर जा थोड़ी देर। ओके ओके बाय। मुझे एक दोस्त को पिक करने जाना है, वो कराची से आया, तो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ मैं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर? या श्योर। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय। देखना आयशा, मैं तुम्हारे साथ क्या करती। दानियाल की अम्मी जिंदा हैं? दानियाल की अम्मी तवायफ हैं।
बात ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है अहमद भाई। मैं कितना बदनसीब बात हूँ, मेरी करनियों का फल मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। मैं तो आयशा की तस्वीर लाना भूल गया। अब क्या आपके दिलो दिमाग को हम बाहर लेकर जाएंगे लोगों में, पूछेंगे क्या आपने इस लड़की को देखा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो अम्मी के मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ आयशा के इनकार का खौफ भी। तो तुम्हारी सामना करना पड़ा। मुझे कुछ देखो बेटा, जैसे कर सकते हो। मैं सोच रही थी आज को दानियाल की वालदा जिंदा होती तो कितनी खुश होती। औलाद ने कहा कि मिलने के लिए जाए एक तवा है और से लोग यही क्या है सुनते निकल पर किसी को आपको बता पहले आप ये सब कुछ आपने अपनी बेटी का को कोई बता आपको करा ये तो हमारा किया मुझे यहाँ के पास चल गई यो तू ये मेरे लिए। अरे वाह, लगता है तुम्हारा बेटा किसी अच्छी जगह नौकरी करता है। हाँ ना, बता रहा था जीएम है किसी कंपनी का। खाला ये जीएम क्या होता है? वो दफ्तर। अच्छा अल्लाह ने मुझे और
खालदा कौन है? खालदा मेरी बीवी थी और जवानी में गलत सोहबत में पड़ के मैं कोठे तक जा पहुंचा, वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और फिर आपको उनसे मोहब्बत हो गई है ना? हाँ भाई साहब, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे अब तक छुपा के रखी। रहसान, ऐसी बातें कौन किसी को बताता है? मैं तुम्हें कैसे बताता कि दानियाल की मां एक तोयफ थी? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस बात ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी अहमद भाई। लेकिन तुम्हें सब कुछ बताया किसने? छोड़िए ये बात, मुझे किसने बताई, क्यों बताई, कैसे बताई, मेरी तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपा को कैसे कन्विंस करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं एहसान, मुझे गुमान भी नहीं था कि ये खालदा वाली बात इस तरह अड़े आ जाएगी। लेकिन खुदा के वास्ते शादी होने दो, इसमें दानियाल का कोई कसूर नहीं है एहसान। वो बेचारा तो इन तमाम बातों से लाइल ही रहा, मैंने तो उसे आज तक कुछ नहीं बताया। सब तो ठीक है भाई, लेकिन अब इस बात का हतमी फैसला आप और आयशा ही कर सकती हैं, और आपको उनके फैसले का इंतजार करना होगा। मैं कितना बदनसीब बाप हूं, मेरी करनियों का फल मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। मैंने अपने बेटे की खुशी को सदमे में बदल दिया। चलें, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ें, ये लीजिए, रिलैक्स, मैं बात करूंगा ना आपसे, मैं हूं आपके साथ, करते हैं कुछ। डैड ठीक कहते हैं, मुझे अम्मी को घर नहीं लाना चाहिए। अगर वो इस घर में आई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं, और मेरे ऑफिस में पता चलेगा तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर ये बात आयशा को और उसके घर वालों को पता चल गई तो कहीं वो रिश्ता ही खत्म ना कर दे। नहीं, मैं अम्मी को यहां नहीं ला सकता, लेकिन मैं उन्हें जिंदगी की वो सारी खुशियां जरूर दूंगा जिससे वो महरूम रही हैं। खाला, तुम गई नहीं अभी तक? बस जाने वाली हूँ, वो दानियाल नहीं आया अभी तक। वो आ जाएगा, तुम फिकर नहीं करो, इतना बड़ा अफसर है किसी काम में फंस गया होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। गजाला, दानियाल आएगा ना? आएगा खाला, वो जरूर आएगा, तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो रही हो? तुम रुको, मैं खाना लेकर आ सितम हर घड़ी क्यों मिले दिल को हम बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर ऐसे टूटे वफा के भरम। डैड, सबके पीछे कौन हो सकता है जो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है और हम उस इंसान से लाइल में? हाँ बेटा, बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे ऊपर कोई बात ना आए, मेरी वजह से तुम्हें ये सारे दुख उठाने पड़ रहे हैं, मुझे माफ कर दो बेटा। डैड प्लीज,
ऐसे मत कह, मैं आपका गिल्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें कन्विंस किया जाए शादी के लिए, और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आयशा ने शादी से इनकार कर दिया फिर क्या करेंगे? फिर मैं उसे अपनी किस्मत समझ लूंगा, और क्या। ओह नो, क्या हुआ यार? मैं तो आयशा की तस्वीर लाना भूल गया। जनाब, आप कराची से एक लड़की के पीछे लाहौर आ गए हैं और आपके पास उसकी पिक्चर नहीं है? वाह भाई। यार मेरे पास तस्वीर तो नहीं, मगर ट्रस्ट में वो मेरे दिलो दिमाग पे छाई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब क्या आपके दिलो दिमाग को हम बाहर लेकर जाएंगे लोगों में, पूछेंगे क्या आपने इस लड़की को देखा है? ओ भाईजान, पिक्चर बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, नरमीन को कॉल करता हूँ। नरमीन? अब ये नरमीन कौन है? नरमीन मेरी कजन है और आयशा की बेस्ट फ्रेंड भी। बेस्ट फ्रेंड? यानी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बगैर बताए गायब हो गई? वाह। नहीं समीर, कोई ना कोई मसला जरूर होगा, वरना आयशा ऐसे नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ उसे। जनाब आप एक काम कीजिए, अपनी हीरोइन के ख्यालों से बाहर आइए और प्लीज तस्वीर अरेंज कीजिए ताकि उसको लाहौर शहर में ढूंढा जा सके। मैं नरवीन को कॉल करता हूँ। हाँ तो मैं आयशा मिल गई सुहेल? नहीं, लेकिन मिल जाएगी। चलो तुम ढूंढते रहो, इंशाल्लाह मिल जाएगी तुम्हें। नरवीन, तुम्हारे पास आयशा के पिक है? आई मीन उसको ढूंढने के लिए उसके पिक की जरूरत होगी। यार वो तो तस्वीरें लेती नहीं थी, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बर्थडे पार्टी पे मैंने उसकी पिक्चर ली थी। लैपटॉप में देखती हूँ, अगर मिल गई तो मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। प्लीज नरवीन, मुझे आयशा के पिक सेंड कर दो ताकि मैं उसको ढूंढ सकूँ। सुहेल पेशेंस, मिल जाएगी तुम्हारी जूलियट तुम्हें। जूलियट मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ईमेल करके टेक्स्ट करती हूँ, तो चेक कर लेना, ठीक है? ओके नरमीन, आई एम वेटिंग। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, उसकी तस्वीर को लेके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ईमेल करके टेक्स्ट करती हूँ। ओके फाइन, आई एम वेटिंग, बाय। अगर आयशा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो अम्मी के मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ आयशा के इनकार का खौफ भी। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गया। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना आज आयशा शादी से इनकार करेगी, रफ्ता रफ्ता मेरी अम्मी की हकीकत का सबको इल्म भी हो जाएगा, और फिर। लेकिन आप अहमद भाई को तो जानती हैं, वो तो खानदानी आदमी है और नस्लें बाप के नाम से चलती, माँ के नाम से नहीं। मियाँ देखो, शादी के बाद जब उसकी माँ के बारे में लोगों को पता चलेगा ना, तो मुझे बताओ वो क्या सोचेंगे। मैं इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप खामखाई में जज्बाती हो रही हैं, ठंडे दिल से सोचिए, दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने कब कहा कि दानियाल अच्छा लड़का नहीं है? लेकिन उसकी माँ का जिस पेशे से ताल्लुक है वो मुझे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वो तो अल्लाह भला करे शाइना का कि उसने वक्त से पहले हमें सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, और मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, अगर शाइना को ये सारी बातें पता थी तो उसने हमें पहले से क्यों नहीं बताई? सारी शॉपिंग शादी की तो वही करा रहे। कह दूं कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, साफ साफ मना कर दो, हम नहीं करेंगे ये रिश्ता। ये देखो समीर, ये है तस्वीर। आर यू ओके? हाँ बिल्कुल। पिक्चर आ गई, अब क्या करना है? इस रिश्ते के मसले में हम उनको जुबान दे चुके हैं। जुबान उनको दी जाती है जो सच बोलते हैं, झूठे और दगाबाज लोगों को नहीं। क्यों मिली ये सजा? अहमद भाई को भी तो सब कुछ पता था ना, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? पापा, अहमद भाई की बात और है, उनकी मजबूरी थी। शाइना की क्या मजबूरी थी? अरे भाई वो हिचकिचा रही थी ना, पहले तो ये समझ रही थी कि हम लोगों को शायद सब कुछ पता है, लेकिन बाद में ऐसी बातों बातों में एक दफा जिक्र निकल आया तो सारा सच सामने आ गया। ठीक है, तो फिर मैं अहमद भाई को मना कर दूं, कह दूं कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हाँ
बिल्कुल साफ साफ मना कर दो, हम नहीं करेंगे रिश्ता। बात सुने, एक दफा आयशा से ना पूछ ले, शादी तो उसने करनी है। नहीं नहीं, आयशा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपा, देखता हूँ। मैसेज? हाँ, ये देखो समीर, ये है तस्वीर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आई यू ओके? हाँ बिल्कुल। पिक्चर आ गई, अब क्या करना? हाँ चलते हैं, मैं ज़रा फ्रेश हूँ। ठीक है, ओके। आंटी अब यकीन कीजिए, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सर अंकल, मैं इस सब के बारे में लालिम था बचपन से लेके आज तक। अपने आप को सिर्फ फिर माँ का समझा था, दूसरों की माँ को देखकर अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। और अब जबकि मुझे अपनी माँ मिल गई तो सबर से काम लेना, सबर से। अंकल आप ही बताएं, औलाद के लिए माँ तो माँ होती है ना, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें। ये सब ठीक है दानियाल, कि वो तुम्हारी माँ है इस बात को कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन आयशा की तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती। बाबा देखें, दानियाल खुद यहाँ आया है ताकि तमाम गलतफहमियां दूर हो सके, आप सोच समझ के कोई फैसला कीजिए। ऐसी बातों में क्या सोचना है? आंटी आप मेरे डैड की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? मैं आयशा को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। दानियाल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम आयशा को पसंद नहीं करते, लेकिन रिश्ते देखभाल के किए जाते हैं। अब आप और क्या देखना है? देखिए दानियाल हमारे सामने मौजूद है और भाई साहब को हम पिछले 25 साल से जानते हैं, और क्या जानना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती। आप देखें एक बार फिर से सोच लें, ऐसा ना हो बाद में पछताना। देखो मियां, मैं पछताती उस वक्त जब आयशा और दानियाल की शादी हो जाती और उसके बाद मुझे पता चलता उनकी वालदा के बारे में। अब मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लें। फैसला तो हो गया एहसान मियां, दानियाल मेरा दामाद नहीं बनेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? अहमद भाई हमारे खानदानी दोस्त हैं और इस रिश्ते के मसले में हम उनको जुबान दे चुके हैं। ज़बान उनको दी जाती है जो सच बोलते हैं, झूठे और दगाबाज लोगों को नहीं। इंसान अपने अमल और किरदार से पहचाना जाता है, खानदान से नहीं। थैंक यू आयशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर शाइना की शादी दानियाल से हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। यार दानियाल अभी तक घर नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। मैं तो समझ रहा था कि उसने आपको अब तक खुशखबरी सुना दी होगी। कैसी खुशखबरी?